हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्टी जोन फॉर स्मार्ट आंसर्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जनरल अवेयरनेस की 600 प्लस एमसीक्यूज की सीरीज़ यहां पर स्टार्ट हो चुकी है, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके जनरल अवेयरनेस के होंगे। ये आपके आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों ही एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पोर्ट्स अवार्ड्स यहाँ पे और बुक ऑथर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो वैसे क्वेश्चन आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रिलेटेड है बुक ऑथर से, तो देखते हैं बुक ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 24 ब्रांड मंत्रास इज अ बुक रिटन बाय। ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए विमला चौधरी, ऑप्शन बी दिया गया है शिव खेरा, ऑप्शन सी दिया गया है अरिंदम आर चौधरी, ऑप्शन डी दिया गया है जगदीप कपूर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24 ब्रांड मंत्रास इज अ बुक रिटन बाय, तो ये बुक लिखी थी जगदीप कपूर ने। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जगदीप कपूर, ऑप्शन डी। 24 ब्रांड मंत्रास इज अ बुक रिटन बाय जगदीप कपूर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है द सेड ऑफ स्वॉर्ड्स इज अ बुक रिटन बाय। ऑप्शन आपको दिया गया, ऑप्शन ए एम जे अकबर, ऑप्शन बी दिया गया है मनील सूरी, ऑप्शन सी दिया गया उर्मिला लांबा एंड डी दिया गया वसंत पोद्दार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द शेड ऑफ स्वॉर्ड्स इज अ बुक रिटन बाय, तो द शेड ऑफ स्वॉर्ड्स बुक इन्होंने लिखी थी, तो एम जे अकबर यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, एम जे अकबर। एम जे अकबर ने ये बुक लिखी थी, द शेड ऑफ स्वॉर्ड्स इज अ बुक रिटन बाय एम जे अकबर। नेक्स्ट दिया गया है ट्रैवलिंग थ्रू कॉन्फ्लिक्ट इज अ बुक रिटन बाय। ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए हामिद अंसारी, ऑप्शन बी दिया गया है चेरी ब्लेयर, ऑप्शन सी दिया गया है बलराज कृष्णा, ऑप्शन डी दिया गया है सलमान रुश्दी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है, ट्रैवलिंग थ्रू कॉन्फ्लिक्ट इज अ बुक रिटन बाय, तो ये बुक लिखी थी हामिद अंसारी ने, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, हामिद अंसारी, यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हु अमंगस्ट द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक टेरिमाइट्स इन द ट्रेडिंग सिस्टम। ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए दिया गया है एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन बी दिया गया है जगदीश भगवती, ऑप्शन सी दिया गया है जसवंत सिंह, ऑप्शन डी दिया गया है चोलापति राव। तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक टेरिमाइट्स इन द ट्रेडिंग सिस्टम, तो इसके ऑथर कौन हो जाएंगे, जगदीश भगवती, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जगदीश भगवती, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, यहाँ पे इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज अ बुक रिटन बाय। ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए सोनिया गांधी, ऑप्शन बी दिया गया है एल के आडवाणी, ऑप्शन सी दिया नेल्सन मंडेला, ऑप्शन डी दिया गया है बेंजीर भुट्टो, ऑप्शन ई दिया गया है नवाज शरीफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज अ बुक रिटन बाय, तो ये बुक लिखी थी नेल्सन मंडेला ने, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नेल्सन मंडेला ने ये बुक लिखी थी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है हु फॉर्मुलेटेड द ट्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए दादा भाई नरोजी, ऑप्शन बी दिया गया है एम जी रांडे, ऑप्शन सी दिया गया है आर सी दत्त एंड डी दिया गया है बी सी पाल। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, हु फॉर्मुलेटेड द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दादा भाई नरोजी, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, दादा भाई नरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट दिया गया है हु हैज रिटन द बुक टू लाइव्स। ऑप्शन दिया गया आपको, ऑप्शन ए दिया गया है सलमान रुश्दे, ऑप्शन बी दिया गया है अरुंधति रॉय, ऑप्शन सी दिया गया है विक्रम सेठ, ऑप्शन डी दिया गया है शिव खेरा।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है, कौन सा आंसर इसका राइट हो जाएगा। हु हैज़ रिटन द बुक टू लाइव्स, तो ये बुक लिखी थी विक्रम सेठ ने, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, विक्रम सेठ। विक्रम सेठ ने ये बुक लिखी थी, विक्रम सेठ हैज़ रिटन द बुक टू लाइव्स, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हु ट्रांसलेटेड द नेशनल सॉन्ग इन टू इंग्लिश, ऑप्शन दिया गया है आपको, ऑप्शन ए दिया गया है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी दिया गया है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी दिया गया है सरोजनी नायडू, एंड डी दिया गया है अरबिंदो घोष। तो आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, हु ट्रांसलेटेड द नेशनल सॉन्ग इन टू इंग्लिश, तो नेशनल सॉन्ग को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर इन्होंने ट्रांसलेट किया था नेशनल सॉन्ग को इंग्लिश में, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द क्लासिक बुक लाइफ डिवाइन, ऑप्शन आपको दिया गया, ऑप्शन ए रविशंकर, ऑप्शन बी दिया गया है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी दिया गया है राधा कृष्णन, ऑप्शन डी दिया गया है अरबिंदो घोष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द क्लासिक बुक लाइफ डिवाइन, तो लाइफ डिवाइन बुक के ऑथर कौन हो जाएंगे, अरबिंदो घोष, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अरबिंदो घोष ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अरबिंदो घोष इज द ऑथर ऑफ द क्लासिक बुक लाइफ डिवाइन, ऑप्शन डी आपका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बुक एट नून, ऑप्शन दिया गया आपको, ऑप्शन ए दिया गया है वी एस नेपोली, ऑप्शन बी दिया गया है चेतन भगत, ऑप्शन सी दिया गया है विक्रम सेठ, ऑप्शन डी दिया गया है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बुक एट नून, तो बुक एट नून के ऑथर कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपको इसका आंसर बताना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपको याद रखना है इस बुक के राइटर कौन थे, नरेंद्र रेड्डी बुक एट नून के राइटर थे। नेक्स्ट दिया गया है, तानसेन सम्मान हैज बीन इंस्टीट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ, ऑप्शन दिया गया ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी दिया गया मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी दिया गया महाराष्ट्र, एंड डी दिया गया गुजरात। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तानसेन सम्मान हैज बीन इंस्टीट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है, हु वन द ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर 2011, ऑप्शन दिया गया आपको, ऑप्शन ए यहाँ पे दिया गया है सीताकांत महापात्र, ऑप्शन बी दिया गया है सचिनंद राउत, ऑप्शन सी दिया गया है प्रतिभा रे, ऑप्शन डी दिया गया है गोपीनाथ मोहंती। तो आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, हु वन द ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर 2011, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभा रे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है, द कालिदास सम्मान इज अ प्रेस्टिजियस आर्ट्स अवार्ड प्रेजेंटेड एनुअली बाय द गवर्नमेंट ऑफ, ऑप्शन आपको दिया गया है, ऑप्शन ए दिया गया है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी आपको दिया गया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी दिया गया है मध्य प्रदेश, एंड डी दिया गया है गुजरात। तो इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताना है, द कालिदास सम्मान इज अ प्रेस्टिजियस आर्ट्स अवार्ड प्रेजेंटेड एनुअली बाय द गवर्नमेंट ऑफ, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। द कालिदास सम्मान इज अ प्रेस्टिजियस आर्ट्स अवार्ड प्रेजेंटेड एनुअली बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, तो 14 दिया गया है, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन इज अवार्डेड द इंडियन न्यूक्लियर सोसाइटीज होमी भाभा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, हु इज ही, ऑप्शन आपको दिया गया है, ऑप्शन ए दिया गया है एम आर श्रीनिवासन, ऑप्शन बी दिया गया है अनिल कोकोडर, ऑप्शन सी दिया गया है पी के अयंगर, ऑप्शन डी दिया गया है आर सी सिन्हा।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन इज अवार्डेड द इंडियन न्यूक्लियर सोसाइटी होमी भाभा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, हु इज ही? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, अनिल कोकोडर। अनिल कोकोडर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट दिया गया है, लैरियस अवार्ड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? ऑप्शन आपको दिया गया, ऑप्शन ए दिया गया है मेडिसिन, ऑप्शन बी दिया गया है पॉलिटिक्स, ऑप्शन सी दिया गया है स्पोर्ट्स, एंड डी दिया गया है जर्नलिज्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉरिस अवार्ड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? तो ये रिलेटेड है स्पोर्ट्स फील्ड से, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉरिस अवार्ड इज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स फील्ड, फील्ड यहाँ पे राइट ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्पोर्ट्स फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राजीव गांधी इन्वायरमेंट अवार्ड इज गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू? ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए दिया गया है अफॉरेस्टेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ वेस्ट लैंड, ऑप्शन बी दिया गया है क्लीन टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन सी दिया गया है वर्ल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ऑप्शन डी दिया गया है राइटिंग ऑफ हिंदी बुक्स ऑन इन्वायरमेंट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजीव गांधी इन्वायरमेंट अवार्ड इज गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्लीन टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन डी बी आपका राइट हो जाएगा, क्लीन टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट। तो बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्लीन टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अवार्ड गिवन ऑन द नेशनल अवार्ड्स डे? ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए दिया गया है राजीव खेल रत्न, ऑप्शन बी दिया गया है अर्जुन अवार्ड, ऑप्शन सी दिया गया है ध्यानचंद अवार्ड, ऑप्शन डी दिया गया है विश्वमित्र अवार्ड। तो इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अवार्ड गिवन ऑन द नेशनल अवार्ड्स डे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा विश्वमित्र अवार्ड, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, विश्वमित्र अवार्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, विश्वमित्र अवार्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। नेक्स्ट दिया गया है, फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इज शांति स्वरूप भटनागर प्राइज गिवेन? ऑप्शन आपको दिया गया है, ऑप्शन ए दिया गया है लिटरेचर, ऑप्शन बी दिया गया है परफॉर्मिंग आर्ट्स, ऑप्शन सी दिया गया है साइंस, एंड डी दिया गया है सोशल सर्विस। तो इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताना है, फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स इज शांति स्वरूप भटनागर प्राइज गिवेन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइंस, साइंस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा साइंस। फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज शांति स्वरूप भटनागर प्राइज गिवेन? तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी साइंस यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, साबिन अवार्ड इज गिवेन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ, ऑप्शन दिया गया आपको, ऑप्शन ए दिया गया है एम्फीबियंस, ऑप्शन बी दिया गया है रेप्टाइल्स, ऑप्शन सी दिया गया है बर्ड्स, ऑप्शन डी दिया गया है कोरल्स। तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, साबिन अवार्ड्स अवार्ड इज गिवन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बर्ड्स, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा बर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी बर्ड्स, बर्ड्स यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, द नोबल प्राइज वॉज इंस्टीट्यूटेड बाई विच कंट्री? ऑप्शन दिया गया आपको, ऑप्शन ए दिया गया है USA, ऑप्शन बी दिया गया है UK, ऑप्शन सी दिया गया है रशिया, एंड आपको डी दिया गया है स्वीडन। तो आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, द नोबल प्राइज वॉज इंस्टीट्यूटेड बाई विच कंट्री? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा स्वीडन, ऑप्शन डी स्वीडन यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, द नोबेल प्राइज वॉज इंस्टीट्यूटेड बाई स्वीडन, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं,
डी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 21, क्वेश्चन नंबर 21 नेक्स्ट दिया गया है आपको। द वर्ल्ड बेनीथ हिज फीट इज अ बायोग्राफी ऑफ, ऑप्शन दिया गया आपको, ऑप्शन ए दिया गया है पुलेला गोपीचंद, ऑप्शन बी दिया गया है नवाब पटौदी, ऑप्शन सी दिया गया अजीत वाडेकर, ऑप्शन डी दिया गया है सचिन तेंदुलकर। तो आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुलेला गोपीचंद, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, पुलेला गोपीचंद। नेक्स्ट दिया गया है, हु अमोंग द फॉलोइंग लेडीज वन द विमल्डन टाइटल सक्सेसफुली 9 times, ऑप्शन दिया गया आपको, ऑप्शन ए दिया गया है मोनिका सिलेई, ऑप्शन बी दिया गया है आपको स्टेफी ग्राफ, ऑप्शन सी दिया गया है मार्टिना नवरातिलोवा, ऑप्शन सी दिया गया है, ऑप्शन आपको सी दिया गया है क्रिस एवर्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है, हु अमंग द फॉलोइंग लेडीज वन द विमंडल टाइटल सक्सेसफुली 9 times। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी मार्टिना नवरातिलोवा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद द गेम ऑफ हॉकी, ऑप्शन आपको दिया गया है, ऑप्शन ए दिया गया है फॉलो ऑन, ऑप्शन बी दिया गया है टाई ब्रेकर, ऑप्शन सी दिया गया है हैट्रिक एंड डी दिया गया है हाफ वॉली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे इसका राइट आंसर बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद द गेम ऑफ हॉकी। तो यहाँ पे ये रिलेटेड क्या नहीं है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा टाई ब्रेकर, टाई ब्रेकर जो है वो हॉकी से रिलेटेड नहीं है, ऑप्शन बी आपका राइट हो गया। नेक्स्ट दिया गया है, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग इज द इंडियन प्लेयर टू मेक फास्टेस्ट सेंचुरी इन द T20, ऑप्शन आपको दिया गया, ऑप्शन ए रोहित शर्मा, ऑप्शन बी दिया गया ऋषभ पंत, ऑप्शन सी दिया गया यूसुफ पठान, ऑप्शन डी दिया गया KL राहुल। तो इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताना है, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग इज द इंडियन प्लेयर टू मेक फास्टेस्ट सेंचुरी इन द T20, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऋषभ पंत, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऋषभ पंत, ऋषभ पंत ने फास्टेस्ट T20 सेंचुरी लगाई थी, तो ऑप्शन ऋषभ पंत यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, वेयर डिड इंडिया प्ले इट्स फर्स्ट ODI इंटरनेशनल मैच, ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए लॉर्ड्स, ऑप्शन बी आपको यहाँ पे दिया गया है हेडिंगले, ऑप्शन सी दिया गया है टॉन्टन, ऑप्शन डी दिया गया है द ओवल। तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, वेयर डिड इंडिया प्ले इट्स फर्स्ट ODI इंटरनेशनल मैच, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा हेडिंगले यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हेडिंगले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिया गया है, फॉर विच गेम इज द इंदिरा गांधी गोल्ड कप बींग अवॉर्डेड, ऑप्शन दिया गया आपको, ऑप्शन ए दिया गया है वुमेन्स हॉकी, ऑप्शन बी दिया गया है वुमेन्स फुटबॉल, ऑप्शन सी दिया गया है वुमेन्स क्रिकेट, ऑप्शन डी दिया गया है वुमेन्स बैडमिंटन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बताना है, फॉर विच गेम इज द इंदिरा गांधी गोल्ड कप बींग अवॉर्डेड, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या, वुमेन हॉकी, ऑप्शन ए वुमेन हॉकी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए वुमेन हॉकी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, इसका आंसर आपका हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट दिया गया है, हु ऑफ द फॉलोइंग इज अ फुटबॉल प्लेयर, ऑप्शन दिया गया आपको, ऑप्शन ए फर्नांडे एलेंसो, ऑप्शन बी दिया गया है किमी राइकोनिन, ऑप्शन सी दिया गया है लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन डी दिया गया है निकोलस एनिल्का। तो आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, हु ऑफ द फॉलोइंग इज अ फुटबॉल प्लेयर, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी निकोलस एनिल्का, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा निकोलस एनिल्का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, डैश बिकम फास्टेस्ट बैट्समैन टू रिच 20,000 इंटरनेशनल रन्स अक्रॉस फॉर्मेट्स, ऑप्शन दिया गया आपको, ऑप्शन ए दिया गया है शिखर, ऑप्शन बी दिया गया विराट, ऑप्शन सी दिया गया है साकिब एंड डी दिया गया है जेसन रॉय। तो इसका आंसर आपको बताना है, डैश बिकम फास्टेस्ट
बैट्समैन टू रिच 20,000 इंटरनेशनल रन्स अक्रॉस फॉर्मेट्स। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, विराट, ऑप्शन बी विराट, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विराट कोहली, ऑप्शन बी बी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विराट। नेक्स्ट दिया गया है 2022 फीफा वर्ल्ड कप इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड एट, ऑप्शन दिया गया आपको, ऑप्शन ए दिया गया है अर्जेंटीना, ऑप्शन बी दिया गया है जर्मनी, ऑप्शन सी दिया गया है कतार एंड डी दिया गया है जापान। तो आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2022 फीफा वर्ल्ड कप इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड एट कतार, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कतार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ऑप्शन सी आपका राइट हो गया। नेक्स्ट दिया गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओलंपिक इंडिया डिड नॉट वन एनी मेडल, ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन बी 1996, ऑप्शन सी दिया गया 2000, डी दिया गया 2004। तो इसका आंसर आपको बताना है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओलंपिक्स इंडिया डिड नॉट वन द मेडल, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1992, ऑप्शन ए 1992। सो गाइज ये थी आज की वीडियो जिसमें आपको 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs मिले जो कि आपके जनरल अवेयरनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग RRB NTPC और RRB ग्रुप डी के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन का आंसर क्लियर रहा होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जो लोग RRB NTPC एंड ग्रुप डी का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर से शेयर कीजिएगा। तो अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।